हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वीएस एजुकेशन शॉप में। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसे कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा एवरी डे, जो आपने ऑल ओवर डे में जीके के क्वेश्चंस रीज किए हैं, आपने जीके के क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कशंस करेंगे इस वीडियो में। टुडे सेकेंड ऑफ अक्टूबर से ओके, सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ओनली फॉर 15 मिनट्स का सेशंस होगा। आपके रिविजन्स के लिए सेशंस मैंने रखता हूँ, ताकि आपका रिविजन्स भी हो जाए और आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस लायक हो वो आपके क्लियर भी हो जाए। ओके आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग्स। देखिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग आईबीपीएस आरआरबी मेंस, जिनका भी अपकमिंग एग्जाम्स में क्लर्क का हो चाहे मेंस का हो, क्लर्क का जैसे कि रिजल्ट आ गया है, एंड एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की, तो दिस सेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। And before that, if you are new student in my channels, so please first of all subscribe the channels and like the video and share the sessions, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको notifications रिसीव हो जाए, और share हो ताकि most of videos मैं upload कर सकूँ, अच्छे level पे questions आपको मैं provide कर सकूँ। Okay? देखिए first questions on your screens, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच कंट्री, देखिए इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है क्वेश्चंस, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर हिंदी में भी क्वेश्चंस अवेलेबल करवाइए, तो अभी कुछ दिनों से मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, दोनों जिस जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस चीज़ में आप पढ़िए। ओके बट आपको समझ में आना चाहिए, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड, कौन सी कंट्री जिसने सेलिब्रेटेड कर दिया द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हिंदू फेस्टिवल्स बड़ा सीन्स, राइट। बड़ा डिस्टेंस, जो कौन सा ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे बड़ा हिंदू त्यौहार है वो सेलिब्रेट करती है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं आपके ऑप्शंस है। तो नन ऑफ दिस आपके नेपाल इसको सेलिब्रेटेड करता है, सबसे बड़ा हिंदू त्यौहार होता है नेपाल्स में। बड़ा सीन्स, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कंट्री आपको देश पूछा है, पूछ सकता है नेपाल कौन सा सबसे बड़ा त्यौहार करता है, तो बड़ा सीन्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसका आंसर आपके ए इज द करेक्ट, राइट, इट मींस नेपाल, राइट। नेपाल, नेपाल की कैपिटल्स आपकी काठमांडू, राइट, कैपिटल्स आपके काठमांडू, काठमांडू एंड रुपीज करेंसी चलती है, राइट। बांग्लादेश ढाका, टका कैपिटल्स ढाका टका, ओके, एंड पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड रुपये वहां पर करेंसी चलती है, अफगानिस्तान काबुल और काबुल एंड अफगानी रुपया, राइट, अफगानी रुपया वहां पर करेंसी चलती है, राइट, अफगानी रुपया। एंड देन नेपाल के वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड है नेपाल से रिलेटेड। देखिए कल मैंने क्वेश्चंस बताया था शार्प के बेसिस पे, आई होप आपको रिमेम्बर होना चाहिए शार्प के बेसिस पे, SAFF, राइट, SAFF जो फुटबॉल फेडरेशन वाला था उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बताया था। इसमें इंडिया विनर रहा था, राइट, इंडिया विनर रहा था, एंड देन इंडिया ने फर्स्ट ट्रॉफी ये पाई है, तो क्वेश्चंस बन सकता है, तो याद कर लीजिएगा इंडिया ने फर्स्ट ट्रॉफी ये पाई है फुटबॉल वाली। एंड देन कहाँ पर, ये नेपाल के काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था, नेपाल के काठमांडू में। और सेकेंड रनर बांग्लादेश रहा था, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था, राइट। आई होप सो गाइस क्लियर होगा आपको इस क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चंस में पर्टिकुलर आपके तीन से चार क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, राइट। अब और भी कोई क्वेश्चंस रीच हो सकता है तो आई 100% बताइएगा सर ये क्वेश्चंस भी बन सकता है इसमें से। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे बना पाएंगे, वो डीपली जाएंगे, उतने ज्यादा आपको रिमेंबर जीके अच्छे रहेगा। ओके नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड एंड लैंड स्टेक एंड लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूशियल मिसाइल, इट हैज स्ट्राइक रेंज ऑफ कितने किलोमीटर। सर ये क्या क्वेश्चन पूछा है, या तो पूछ लीजिए स्थान, पूछ लीजिए कहाँ इसका सुपरसोनिक क्रूज में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, किसने किया ये पूछ लीजिए, लेकिन ये किलोमीटर्स क्या है, किलोमीटर रेंज क्या पूछिए, क्वेश्चन बन सकता है माय डियर। देखिए हाल ही में DRDO ने एक लैंड अटैक वर्जन या ब्रह्मोस सुपरसोनिक, याद रखिएगा ब्रह्मोस आपको मिसाइल्स का नाम भी पूछ सकता है, ब्रह्मोस, राइट,
क्रूज मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसमें स्ट्राइक रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज, रेंज पूछी है, तो रेंज इसकी 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये ब्रह्मोस से। एंड देन वन मोर क्वेश्चन आपके बन सकता है, डीआरडीओ को हेडक्वार्टर एंड कब इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट एंड जी सतीश जी एस रेड्डी इसकी, जी एस रेड्डी इसकी चीफ है, एक तरह से कह सकते हैं हेड, राइट। क्वेश्चन बन सकता है हेडक्वार्टर एंड आपके ये कद कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बहुत ही ईजी है, इसीलिए मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि ऑल ओवर स्टूडेंट्स भी देख सकें। ओके, सेकेंड का सी 290 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एक संगठन का नाम बताइए, विच इज इजिएट इट्स नॉर्म्स, राइट, विच इजिएट नॉर्म्स, बैंकिंग एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्म्स टू अलाउ स्मार्ट सिटीज रेज फंड्स थ्रू मनी बॉन्ड्स, राइट। उस संगठन का नाम बताइए जिसने फंड्स मनी बॉन्ड्स, राइट, फंड्स मनी बॉन्ड्स के माध्यम से स्मार्ट शहरों को धन जुटाने की अनुमति देने के लिए अपने मानदंडों में ढील दी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। बैंकिंग एक्सपर्ट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस आरआरबी मेंस जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ मेंस हो गया, चाहे क्लर्क मेंस हो गया, किसी भी हो, उसके लिए दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने इसका आर्टिकल्स भी आपको, मैं अगर होगा तो मैं बता सकता था, बट अभी आर्टिकल्स मैंने रीड आउट किया था मॉर्निंग वाले सेशंस में, राइट। आई होप यू रिमेम्बर दिस 100%। इसके बेसिस पे फंड जुटाने के बेसिस पे डिटेल्स में डिस्कशन किया था, वो कौन था उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है इसको, तो नरेंद्र आपके सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, इसका करेक्ट आंसर है। अजय त्यागी यहाँ के चीफ, अजय त्यागी यहाँ की एक तरह से चीफ है। ओके, एंड देन हेडक्वार्टर आप बताइएगा, एंड इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये भी आप बताइएगा, आपके ऊपर मैं एक दृश्य छोड़ता हूँ, होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस बताइएगा ताकि क्लियर हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके गवर्नर आपको मालूम होने चाहिए, शक्तिकांत दास है। ओके, शक्तिकांत दास है, बॉम्बे इसका हेडक्वार्टर है। ओके, एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, बहुत ही अच्छा कुछ ऑप्शन है, सिडबी के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक, सिडबी के बारे में फुल कॉम पूछ सकता है, सेकेंड आई बी का फुल बताइए, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सिडबी का हेडक्वार्टर आपके लखनऊ में है, राइट, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, लखनऊ उदय लखनऊ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, राइट, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, एंड चीफ मिनिस्टर आपकी योगी आदित्यनाथ है, राइट। एंड ए ऑप्शन से आपके एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI, राइट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नोट कर लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपके बॉम्बे में है, राइट, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, बॉम्बे महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र के कैपिटल्स बॉम्बे। एंड देन भगत कोश्यारी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर है, एंड देवेंद्र फडणवीस इसके चीफ मिनिस्टर्स हैं, राइट। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन हुज नेम वाज नेम्ड टू द माइनर माइनर प्लेनेट 26 2016, VP 32, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मामूली ग्रह के किस संगीतकार के नाम से रखा गया, जो क्षुद्र ग्रह था उसको किस नाम से रखा गया है, तो पंडित जसराज जो संगीतकार थे उनके नाम से रखा गया है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये क्षुद्र ग्रह रखा गया जो किन कौन ये जो ग्रह का नाम अमूल्य एक ग्रह है उनका नाम रखा गया है पंडित हंसराज के, पंडित जसराज के बीच, पंडित जसराज हैं उनके ऊपर, उनके ऊपर, राइट, तो ये ग्रह किन किन दो एक तरह से ग्रहों के बीच में है, तो माय डियर स्पिरिट्स यह एक तरह से कह सकते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में उपस्थित है, मंगल और बृहस्पति, राइट, दोनों के बीच में यह ग्रह मौजूद है, तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम्स में, बृहस्पति, राइट, बृहस्पति दोनों के ग्रह के बीच में ये मामूली ग्रह जो शब्द ग्रह है पंडित जसराज के नाम से दिया गया है। ओके, क्वेश्चन बन सकता है किन दो ग्रहों के बीच है, तो मंगल इज बृहस्पति, राइट। नेक्स्ट देखिए, रूस में सोची ऑटोट्रम्स ट्रेस्ट्रिक 2019 रूस F1 ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला जीपी किसने जीता, हु वन द 2019 रशिया F1 ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन जीपी एट सोची ऑटोड्रम्स रेस ट्रैक इन रशिया, तो किसने जीता है, तो नरेंद्र साहब के लेविस हैमिल्टन ने, राइट।
सिक्स देखिए, रिनोवेटेड पर्सनैलिटी केपीएस मैनर, ये क्वेश्चन जो अभी जो थंबनेल पे था, मैनस जूनियर हैज पास्ड अवे ऑन सितंबर 2019, ही वाज अ वेटरन। ये वह एक क्या थे? अनुभवी ब्यूरोक्रेट थे, कार्टूनिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, म्यूजिशियन, जादूनिस्ट थे, कार्टूनिस्ट, एक कार्टूनिस्ट जिसको बोलते हैं, एंड ब्यूरोक्रेट आपके नौकर साहब जिसको बोलते हैं। तो ये वॉज अ नौकर, एक तरह से ब्यूरोक्रेट, राइट, ये एक ब्यूरोक्रेट थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो नंदन्स आपकी, आपकी ये बिलोंग करते हैं केरल के तिरुवंतपुरम में, राइट। क्वेश्चंस बन सकता है माय डियर स्टूडेंट, केरल के तिरुवंतपुरम में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, केरल के तिरुवंतपुरम से बिलोंग करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स थे, एक क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं, विदेश सचिव, राइट। क्वेश्चंस जो क्लियर हो, इससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चंस आपके बताए। फर्स्ट, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये एक तरह से केरल तिरुवनंतपुरम, इन क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे। एंड वन ये क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेट्स थे, ओके। क्या नाम था? पी एस मैनर, ओके, मैनन। सेवंथ देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स टू बोल्स 3 मेडल्स ओवर इन 2020 इंटरनेशनल्स। ये क्या क्वेश्चंस दिया है सर? ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, पीयू मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3 मैदानी ओवरों को 3 मेडन, राइट, मैदानी नहीं, मेडन ओवर है, राइट, को गेंदबाजी करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना है? झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, दीप्ति शर्मा एंड हरमनप्रीत कौर, राइट। तो ये बने हैं दीप्ति शर्मा, राइट। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला है ना, देखिए, ये फर्स्ट भारतीय क्रिकेटर, राइट, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर, पहला भारतीय, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ओके। दीप्ति शर्मा इज द करेक्ट। 8 देखिए, वेयर विल फिल्म डिविजन्स इन एसोसिएशन विद द इंडियन इंडियाज टूरिज्म ऑर्गेनाइज गांधी फिल्म फेस्टिवल्स इन अक्टूबर 2019। भारत टूरिज्म के सहयोग से फिल्म डिवीजन अक्टूबर 2019 में एक गांधी फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ करेगा? क्वेश्चंस बना है। तो नंदन आपके मालूम है फिल्म का, फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे, तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। 9 देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर वुमेन्स जैवलिन थ्रो। जो वुमेन जैवलिन थ्रो है, फाइनल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस यानी कि WSC, राइट, चैंपियंस इन दोहा, दोहा के लिए कौन क्वालिफाई कर गई है? तो रन आपकी, ये आपका करेक्ट आंसर अनु रानी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनु रानी जैवलिन थ्रो में आपके पास कर गई है वर्ल्ड ओलंपिक, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, राइट। नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनु रानी, एंड किस में, किससे रिलेटेड है? तो जैवलिन थ्रो में, राइट। नेक्स्ट देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द 5,000 रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया विच हैज बीन अनेबल्ड विथ वाईफाई रिसेंटली। यानी कि कौन सा भारत का 5,000वां रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसे हाल ही में वाईफाई से समक्ष किया गया है? तो वाईफाई से समक्ष किसको किया गया है? ये मैंने 2,000, 3,000, 5,000, 2,000 के भी बताया, मैंने 3,000 का भी बताया, ये 5,000 का भी क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए, सारे क्वेश्चंस आपने अभी पढ़े, इसका आंसर आपको मालूम है, आपकी मिदनापुर रेलवे स्टेशन जो वेस्ट बंगाल में है, ओके। 5,000 की वैसे बताए, देखिए मेरे सारे क्वेश्चंस आपने अभी 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, ओनली 13 से 14 मिनट्स आपके लगे हैं। सारे क्वेश्चंस बताइएगा मेरे को कैसे लगे आपको, अगर अच्छे लगे तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और अगर सेशंस पे कुछ भी चीज़ एडिशंस करवाना है, कुछ सजेशंस देना है, वो भी आप सजेशंस दे सकते हैं, सर ये चीज़ ऐड कीजिए, राइट। मैंने सारे डिटेल्स में बताइए, मेरे क्वेश्चंस में बता दूं आपको, जो डीपली पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट है, जो ऊपर ऊपर एक तरह से जीके के क्वेश्चंस ओनली फॉर क्यूज फॉर्म में पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एनी सजेशंस यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आप बता सकते हैं सर ये चीज़ ऐड कीजिए, ओके। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोवाइड करता हूँ, पीडीएफ भी आपको पूरे वीकली का पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, तो दिस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेशंस को अच्छे से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके स्टडी के लिए एक तरह से फ्रूटफुल हो, ओके। सेशंस को एंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, आप सभी का दिन मंगलमय हो, थैंक यू सो मच।